वन विभाग कार्यालय के गोदाम में वनकर्मी की फांसी के फंदे से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। जानकारी के अनुसार वनकर्मी मुकेश राजावत वन विभाग में स्थायी कर्मचारी के तौर पर पदस्थ था। वही वन विभाग के SDO मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वनकर्मी मुकेश राजावत हर रोज की तरह बीती रात भी अपनी ड्यूटी पर आया था। वही दोपहर में जब वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर नौशाद को कार्यालय के एक कमरे की खिड़की से लटका हुआ शव दिखाई दिया, जिसकी तस्दीक के लिए पास जाकर देखा तो वो शव मुकेश राजावत का था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला कोलारस थाना क्षेत्र के जगतपुर रेंज ऑफिस का है। मामला ऐसा है कि एक हमारा अस्थाई कर्मी था मुकेश सिंह राजावत, जिसकी रातकालीन ड्यूटी थी। वो रोज प्रतिदिन रात्रि में ड्यूटी करता था, लेकिन आज लगभग 1 बजे हमारे जो यहाँ का कंप्यूटर ऑपरेटर है नौशाद, उस बाथरूम करने जा रहा था तो देखा कि खिड़की खुली हुई है और कुछ उसको ऐसा लगा तो उसने खिड़की से देखा तो एक लाश टंगी हुई थी और अंदर से रूम पूरी तरह से बंद था। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, SDM साहब भी मौके पर आए थे और हम दोनों लोगों ने निरीक्षण भी किया।